चुनाव में बिहार में सारे सीट पर कब्जा हो गया है भाजपा गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का, क्या कितना खुश है, क्या कहना चाहिए? माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का जो उपचुनाव हुआ है उसमें आम आवाम वहाँ के जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उन्होंने एनडीए पर विश्वास करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय जो बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार हैं और एनडीए के हमारे साथी जितने भी नेता हैं, माननीय चिराग पासवान जी हैं, माननीय माझी जी हैं, माननीय कुशवाहा जी हैं, एनडीए के सभी नेता जो बिहार के विकास में धारा बढ़ रही है उसके नाम पर बिहार के एक एक मतदाता जो चार जगह जो उपचुनाव हुआ है वो एनडीए को पूरा झोली भर के अपना मतदान किए हैं और इसलिए बिहार में चार जो उपचुनाव था चार जगह पूरा भारी मतों से एनडीए की जीत हुई है। मैं वहाँ के जनता मतदाता को मैं आभार और धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य वोट दे करके आपने एनडीए के साथियों को जिताने का काम किया और इसी का परिणाम है। और बिहार में जो चार जगह चुनाव था उसमें एनडीए का भारी मतों से जीत हुआ है। मैं आपके माध्यम से हमारे चार जगह जो हुआ है, तरारी हो, रामगढ़ हो और दो जगह है, मैं वहाँ के जनता को मैं अपनी तरफ से, मैं एनडीए के सरकार की तरफ से मैं उनको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आपने जो एनडीए सरकार पर मुझे विश्वास किया है, आपके हित में, आपके बिहार के हित में आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत मिली है आपको, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? वहाँ की जनता चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, निश्चित रूप से उन्होंने भाजपा और एनडीए के जो हमारे नेता हैं जो काम कर रहे हैं जमीन पर, जो काम कर रहे हैं उस काम के आधार पर मतदाता ने वोट दे करके और अभी भी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है वहाँ महाराष्ट्र में, निश्चित रूप से पूरा विश्वास और पूरा विकास दोनों को देख करके वहाँ पर महाराष्ट्र के जितने भी हमारे मतदाता बंधु हैं उन्होंने पूरा विश्वास करके एनडीए को वोट देने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र में भारी मत से और मैंने सबसे ज़्यादा सीट जीत करके आज सरकार बनाने जा रही है मेरी सरकार। क्या इस बात को मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में आपके कार्यकर्ता जो नेता हैं वो जमीन पे थे और झारखंड में पीछे रह गए? एक एनडीए के नेता हैं जो जमीनी काम करते हैं, हार जीत लगा हुआ है, हार जीत कर उनका जीत, आज उनका जीत हुआ है कल मेरा भी जीत हो सकता है, कल मेरा सरकार बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो एनडीए के जो साथी हैं वो जमीनी काम करते हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाला समय मेरा होगा। अच्छा, आप जिस विधानसभा में गए हैं वहाँ चुनावी कैंपेन किए, लोगों को प्रचार किए, वहाँ से तरारी विधानसभा से वहाँ भी पूर्ण बहुमत से जीता है, तो उस पर क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ जीत लेके जाते हैं? जहाँ जहाँ जाते हैं, देखिए एनडीए के जितने साथी हैं ना, जितने के नेता हैं, विधायक हैं, वो काम करना जानता है, चौक चौराहे पर टाइम पास करने का काम नहीं है। हम लोग चूँकि संगठन से विधायक बने हैं इसलिए हम लोग काम करना जानते हैं और हमारे जो जितने साथी हैं भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी सिपाही हैं वो काम करना जानते हैं और बूथ पर जा कर के काम करते हैं और काम करने का उनको आदत शुरू से है, काम करने का ही परिणाम है। और वहाँ का जो मतदाता है, वहाँ के जो आम आवाम लोग हैं, उन्होंने एनडीए पर विश्वास करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के जो विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का जो चुनाव हुआ है पूरा विश्वास करके, पूरा विकास पर और विश्वास पर उन पर भरोसा जताया है एनडीए पर, अतः ये चार का चार सीट बिहार में जीतने का काम किया।